दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता का आज का एपिसोड काफी ज्यादा धमाकेदार होगा और शुरुआत होती है जहाँ पर सभी घर वाले यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। गणगौर के त्योहार पर सीरत इस तरह से तैयार होती है कि उसमें सभी घर वालों को और कार्तिक को नजर आती है नायरा, और सीरत बिल्कुल नायरा जैसे ही दिखती है जिसे देख कर सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं और दादी यहाँ पर उसकी नजर उतारते हुए नजर आती है। जिसके बाद में सभी घर वाले गणगौर की पूजा करते हैं और यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर डांस करते हैं जैसे कि हमेशा ही होता है। तो यहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। सीरत कार्तिक का बहुत ही प्यारा सा डांस होता है और सब घर वाले उन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। और यहाँ पर कायर और अक्षु को भी दिखाया जाता है जो कि इन दोनों के साथ में मस्ती करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ यही हाल रणवीर का भी हो रहा होता है और वो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है इस गणगौर के त्योहार के लिए और उसे अलग ही फीलिंग्स आ रही है कि किस तरह से पता नहीं सीरत उसके आसपास ही हो। लेकिन अब सीरत अब जल्द ही उससे मिलेगी, उसको उसका अंदाजा भी नहीं होता है। तो उसे एक बहुत ही बड़ी खबर भी मिलती है कि अब उसके पापा उदयपुर शिफ्ट हो रहे हैं उसकी पूरी फैमिली के साथ में, और रणवीर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जल्दी से जल्दी यहाँ से उदयपुर छोड़कर जाना चाहता है। वह पूरा सामान की पैकिंग चल रही होती है तो यहाँ पर रणवीर डिसाइड कर चुका है कि वो उदयपुर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अब होगी रणवीर की मुलाकात कार्तिक और सीरत से, जहाँ पर वो ही गणगौर पूजन के लिए पहुंचेगा और दूसरी तरफ कार्तिक और सीरत दोनों साथ में पूजा करने वाले होंगे। और यहीं पर कार्तिक और सीरत की मुलाकात होने कार्तिक और सीरत की मुलाकात होगी रणवीर से, और रणवीर सीरत को इस तरह से सजा हुआ देख कर शॉक्ड हो जाएगा और सीरत भी कि रणवीर उसके सामने है। और यहाँ पर शीला और अब इसको रिया को बहुत ही अच्छा लगने वाला है कि उसे लगेगा कि अब रणवीर की जब एंट्री हो चुकी है तो उसके लिए रास्ता साफ हो चुका है और उसकी शादी कार्तिक से हो जाएगी। लेकिन उसके सपनों पर जल्दी ही पानी फिरेगा क्योंकि रणवीर तो हमेशा के लिए वापस जाने के लिए ही आया है और वो अब यहाँ पर सीरत कार्तिक का ही हाथ थामने वाली है, ना कि रणवीर का। जिसके बाद में यहाँ पर कहानी पूरी तरह से पलटने वाली है और दर्शक ये देखकर खुश होने वाले हैं क्योंकि कार्तिक और सीरत की ही शादी होगी और रणवीर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाएगा। और इसका बहुत ही बड़ा दृश्य राज सामने आने वाला है और वो होगा कि रणवीर का भी एक अतीत है जिसको सुनने के बाद ने यहाँ पर सब शॉक्ड हो जाएंगे। तो उस लेटेस्ट अपडेट इसकी भी हम जल्दी आप तक पहुँचाएंगे, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब आगे।